गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। वॉइस आ रही है सभी को? अभी ठीक है, ठीक है, सेशन शुरू करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें जो लेटेस्ट डाटा आया, इंडिया की रैंक क्या है इसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग बताइए। देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये डाटा जारी करते हैं वाइपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD, ये तीन संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। तो वाइपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD ये मिलकर जारी करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें वाइपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। वाइपो का हेडक्वार्टर है जिनेवा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII इसको जारी करते हैं तीन संस्थाएं मिलके, वाइपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD, और इसकी जो रिपोर्ट आई है 2020 में, इंडिया की रैंक है 48, इंडिया की रैंक है 48 आउट ऑफ 131, आउट ऑफ 131। नंबर वन पे स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इंडिया की रैंक 48 आउट ऑफ 131, नंबर वन पे स्विट्जरलैंड। इसी से आइडिया लेते हुए नीति आयोग ने शुरू किया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसी से आइडिया लेकर शुरू किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये बनाया गया नीति आयोग और CII के द्वारा, नीति आयोग एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके बीच, नीति आयोग एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नीति आयोग एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके बीच बनाया गया, इन दोनों ने मिलकर बनाया। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो डाटा आया है, टॉप पर है आंध्रा, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। आंध्रा रैंक 1, यूपी नंबर 2। सबसे ज्यादा FDI इंडिया रिसीव करता है किस कंट्री से? मैक्सिमम FDI इंडिया रिसीव करता है किस कंट्री से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आती है मॉरिशियस से, मॉरिशियस। रेमिटेंस के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री रेमिटेंस जो हमारे लोग विदेशों में बसे हुए हैं वो जो अपने घरों को पैसा भेजते हैं, हमारे लोग जो विदेशों में बसे हैं वो जो अपने घरों को पैसा भेजते हैं वो रेमिटेंस होता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री है इंडिया, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है इंडिया। हाल ही में एक एक्सीडेंट हो गया था कर्नाटका में, रुस्तम 2 ये क्रैश कर गया था। हाल ही में रुस्तम 2 ये क्रैश कर गया था, क्या चीज़ था ये? कर्नाटका में क्रैश हो गया था। निशांत और रुस्तम दोनों ही ड्रोन के नाम है ये, निशांत एंड रुस्तम दोनों ही ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, दोनों ही यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। कुछ और करंट के क्वेश्चन देखते हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हैं। आज एक क्वेश्चन एनएलसी वाले में आया हुआ है, यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया? किसको दिया गया हाल ही में यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? बताओ क्या आंसर होगा। यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? एनएलसी वाले एग्जाम में क्वेश्चन है आज, प्रियंका चोपड़ा, ये अवार्ड दिया गया है प्रियंका चोपड़ा। एक ये क्वेश्चन बताइए, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हुआ था अभी हाल ही में, उसमें आया, असिस्टेंट कमांडेंट हाल ही में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया। अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या बात सही नहीं है? अटॉर्नी जनरल दोनों हाउस में अपनी बात को रख सकता है, कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 76, दोनों हाउस में अपनी बात को रख सकता है, वोट करने का अधिकार नहीं रखता क्योंकि हाउस का मेंबर नहीं होता। He shall have right of audience in all court in the territory of India, performance of his official duty. He must have the qualification required to be a Supreme Court judge. He is a whole-time counsel for the government. He shall have the right to speak, correct, right of audience, सुनने का अधिकार है, सेम क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज की तरह क्वालिफिकेशन होता है। He is a whole time counsel for the government, नहीं, अटॉर्नी जनरल सिंपली गवर्नमेंट का वकील है। इसको हायर किया जा सकता है, जैसे किसी लॉयर को हायर करते हैं, इसको हायर किया जाता है। इसका अपना कोई फिक्स टेन्योर भी नहीं होता, जब मर्जी इसको हटाया जा सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है, गलत ही बताना है। इसमें देखते हैं करंट से कुछ आया है कि नहीं। ये क्वेश्चन बताइए, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक्वायर किया अपाचे हेलीकॉप्टर। हमारा फोकस करंट पे है तो करंट के हिसाब से बताइए, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक्वायर किया अपाचे हेलीकॉप्टर, कहाँ से लिया गया ये? अटैक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर। अपाचे यूएस का है, अपाचे भी यहीं से लिया गया, चिनूक भी यहीं से लिया गया। एक है अपाचे और एक है चिनूक, दोनों यहीं से लिए गए हैं। चिनूक सोल्जर को लाने ले जाने के लिए है, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। चिनूक है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और अपाचे है अटैक करने के लिए। किस कंट्री में हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी लगी थी? Which one among the following was the first country to declare climate emergency? ये बताया था क्वेश्चन मैंने, कौन सा कंट्री है जिसमें हाल ही में टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया था, समर में टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया था, तो उन्होंने अपने एक बिल पास किया कि 2050 तक हम लोग ग्रीन हाउस गैस के लेवल को 60-70% तक कम कर देंगे। यूके का प्रोग्राम है ये। यूके के पीएम कौन है अभी? यूके के करंट पीएम बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। यूके हाल ही में किस संस्था से बाहर हुआ है? हाल ही में किस संस्था को फाइनली क्विट कर दिया है यूके ने? यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन को। हाल ही में बनाई गई ट्रेन 18 उसको क्या नाम दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन बाय इंडियन रेलवेज टू द इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ट्रेन 18? ट्रेन 18 इसका क्या नाम? वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस। इंजनलेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन, इंजनलेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी का दूसरा नाम ट्रेन 18। क्या रूट है? दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी। कहाँ पे बनी है ये? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, बनी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और वंदे भारत मिशन जो लॉन्च किया गया था वो क्या? कोविड-19 में जो इंडियन विदेशों में फंसे थे उनको वहां से निकाल के लाने के लिए, जो इंडियन विदेशों में फंसे थे उनको वहां से निकाल के लाने के लिए वंदे भारत मिशन, वो अलग है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो गई और वंदे भारत मिशन हो गया, जो इंडियन विदेशों में फंसे थे कोविड-19 के दौरान उनको वहां से लाने के लिए। व्हाट इज तेजस? तेजस एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तेजस एक्सप्रेस तो पहली प्राइवेट ट्रेन है। तेजस क्या है? दुनिया का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस। बनाया इसको HAL ने, सिंगल इंजन सिंगल सीटर, सिंगल इंजन सिंगल सीटर। तो तेजस वर्ल्ड का सबसे हल्का सबसे छोटा लड़ाकू विमान, सिंगल इंजन सिंगल सीटर का। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो चलाया गया है उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस है कि 2019 से लेकर 2024 के बीच पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, 20-30% इसमें डिक्रीमेंट हो जाए। 2019 से 24 के बीच पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, 20-30% का डिक्रीमेंट आ जाए। और ये परसेंटेज हम 2017 के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ये जो बेस ईयर है कंपैरिजन का 2017 की तुलना में, तो 2019 में प्रोग्राम की शुरुआत की गई। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2024 तक 5 ईयर में टारगेट है पीएम 2.5 पीएम 10 को कम करना है, 20 से 30% इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये परसेंटेज किस बेस ईयर की तुलना में है? 2017 की तुलना में। यही पूछा गया शायद, बेस ईयर है 2017। एक क्वेश्चन बताइए, जीडीपी का कैलकुलेशन कौन सी एजेंसी करती है? जीडीपी का कैलकुलेशन कौन सी एजेंसी करती है? जीडीपी कैलकुलेशन कौन सी एजेंसी करती है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ करता है कैलकुलेशन। क्वार्टरली डाटा निकलता है, फिर उसके बाद चारों क्वार्टर का एवरेज निकाल देंगे, एनुअल निकल जाएगा। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इंस्पायर प्रोग्राम। व्हाट इज इंस्पायर? इंस्पायर प्रोग्राम क्या चीज के बारे में है? अनिमेश ठीक लिखा है आपने। सीएसओ ये वर्क करता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, करेक्ट है। इंस्पायर प्रोग्राम रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस एंड रिसर्च, अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस एंड रिसर्च ए, अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस एंड रिसर्च। साइंस और रिसर्च की तरफ लोगों का रुझान बढ़े। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप कंट्री बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप कंट्री, नंबर 1 तो बताया हुआ है नॉर्वे, तो या तो बी होगा या तो सी होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नॉर्वे टॉप रैंक, नॉर्वे के बाद स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड, ये है बी। नॉर्वे स्विट्जरलैंड नंबर वन, नंबर टू। इनोवेशन में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन संस्था जारी करती है? यूएनडीपी, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। Which one of the following is the main objective of Vienna and Montreal? बता लोगे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। वियना मॉन्ट्रियल दोनों ओजोन। सी। इसमें करंट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, थोड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलो ये बताओ, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है जो, उसमें इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? जो रिपोर्ट जारी हुई है ISFR, हर 2 साल में डाटा आता है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में हेडक्वार्टर है इनका। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर है देहरादून। ये हर 2 साल में जारी करते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये हर 2 साल में जारी करते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो 2019 का डाटा जो आया है उसमें इंडिया का फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर मिला दें तो 24.56% इतना है लगभग। और ओनली फॉरेस्ट कवर देखें तो 21.67, ओनली फॉरेस्ट कवर देखें 21.67, ये है लगभग। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर 24.56, ओनली फॉरेस्ट कवर 21.67। मैक्सिमम फॉरेस्ट है MP, परसेंटेज में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम। टोटल फॉरेस्ट सबसे ज्यादा MP के पास, परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम के पास। सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है हरियाणा, सबसे कम फॉरेस्ट है हरियाणा में। जायद मेडल टॉप सिविलियन ऑनर है किस कंट्री का? हाल ही में दिया गया PM मोदी को। जायद मेडल टॉप सिविलियन ऑनर है किस कंट्री का? हाल ही में मिला PM मोदी को। UAE के साथ ही इजराइल का पीस एग्रीमेंट हुआ है अभी। UAE के साथ ही इजराइल का पीस एग्रीमेंट भी हुआ है। कौन सा कंट्री है जो मुंबई तक सी के अंदर एक टनल बना रहा है? इंडिया से काफी वर्कर जाते हैं वहां काम करने के लिए, तो कौन सा कंट्री है जो सी के अंदर अंडर सी टनल डेवलप कर रहा है आने जाने के लिए? यही है सेम, UAE। कांधीमल हल्दी जिसको जीआई टैग दिया गया, कांधीमल हल्दी जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, टर्मरिक कहाँ का है, कहाँ का फेमस है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, कहाँ का फेमस है, सदर्न उड़ीसा। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं जीआई टैग या पेटेंट या कॉपीराइट, इनसे रिलेटेड पॉलिसी वगैरह कौन तैयार करता है, इनसे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी वगैरह होगी बनाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इनसे रिलेटेड पॉलिसी मतलब आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कोई पॉलिसी वगैरह होगी तो बनाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये खुद कौन से मिनिस्ट्री में काम करता है, it works under Ministry of Commerce and Industry, works under Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Commerce and Industry। टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो हो रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक गेम जो होंगे ये, इनका मैस्कट क्या है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स इसका मैस्कट, कोरोना की वजह से डिले कर दिया गया है ओलंपिक गेम को, पर होंगे टोक्यो में। मैस्कट क्या है उसका, मिराई तोवा एंड सुमेती, मिराई तोवा एंड सुमेती। 2024 के ओलंपिक गेम कहाँ पर होंगे, और 2024 के ओलंपिक गेम और 28 के ओलंपिक गेम, 2024 के ओलंपिक गेम होने हैं पेरिस में और 28 में होना है लॉस एंजलिस, 28 में लॉस एंजलिस यूएस। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो लगातार किसी ना किसी बात को लेकर विरोध झेल रहे हैं, फ्रांस का करंट प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ यहाँ विरोध हुआ था, महंगाई के खिलाफ यहाँ विरोध हुआ था, वो मूवमेंट का नाम क्या था, महंगाई के खिलाफ यहाँ मूवमेंट चला, पीली पीली जैकेट पहन के लोग विरोध कर रहे थे, वो मूवमेंट का नाम था येलो वेस्ट, येलो वेस्ट मूवमेंट। इसका एक और नाम भी था जिलेट्स जोन्स, येलो वेस्ट या जिलेट जोन्स। डबल इंजन डबल सीटर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट कौन से देश से खरीदा गया, ट्विन इंजन ट्विन सीटर राफेल एयरक्राफ्ट किस कंट्री से खरीदा गया और कौन सी कंपनी बनाती है इसको, अपनी कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि हवा में ही फ्यूल भर सकते हैं, इसको जमीन पर उतारे बिना हवा में ही फ्यूल भरने की क्षमता है इसमें। तो राफेल डसॉल्ट एविएशन कंपनी है वो बनाती है, कंपनी का नाम है डसॉल्ट, डसॉल्ट एविएशन। तो इंडिया ने 36 राफेल खरीदे फ्रांस से, 36 राफेल खरीदने की डील की थी फ्रांस के साथ, डसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है इसको। और ये ट्विन इंजन ट्विन सीटर, ट्विन इंजन ट्विन सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट। व्हाट इज पिनाका, पिनाका है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका। What is Kambala? Kambala क्या चीज है? बफेलो रेस इवेंट है कर्नाटका का, जिसको बैन कर दिया था कर्नाटका के हाई कोर्ट ने। बफेलो रेस इवेंट कर्नाटका का, जिसको कर्नाटका के हाई कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया था। कम्बाला प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट के तहत इसको बैन किया गया था। हाल फिलहाल में और करंट के क्वेश्चन क्या है उनको देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओल्ड नेम एंड न्यू नेम, ओल्ड नेम एंड न्यू नेम करेक्टली मैच किए गए? पुराना नाम नया नाम, एनिमेज टेस्ट होगा इस वीक में, टेस्ट होगा। देखो नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप और रॉस आइलैंड का नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक का नाम है स्वराज। ये ठीक है, आंसर है 3 ओनली। नील आइलैंड शहीद, रॉस आइलैंड सुभाष चंद्र बोस, हैवलॉक स्वराज द्वीप। लास्ट ईयर प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। 9 जनवरी होता है प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी इस दिन लौटे थे साउथ अफ्रीका से इंडिया। तो प्रवासी भारतीय दिवस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय वो मनाता है। तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था वाराणसी में। वाराणसी किस सिटी को यूनेस्को का कैपिटल आर्किटेक्चर सिटी डिक्लेयर किया गया? तो यूनेस्को ने एक नई कैटेगरी शुरू की है, यूनेस्को ने एक नई कैटेगरी शुरू की है आर्किटेक्चर कैपिटल सिटी के नाम से। ये टाइटल दिया गया रियो डी जेनेरो। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, किस सिटी को बोला जाता है किस सिटी को बोला जाता है कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? किस सिटी को बोलते हैं कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? रियो डी जेनेरो। कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं सेंटोस। सेंटोस ये तो पुराना क्वेश्चन है 2018 वाला। इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर हॉविजर गन मेकिंग यूनिट कहाँ बनाया गया है? इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर हॉविजर गन मेकिंग, हजीरा गुजरात, यहाँ पे इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने। हजीरा गुजरात में इनॉग्रेशन किया था पीएम मोदी ने। फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर लास्ट ईयर कौन रहा है? फीफा बेस्ट प्लेयर लास्ट ईयर कौन था? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। इंबेक्स किस किस देश के बीच में एक्सरसाइज है? ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखो कई सारे नाम बताए थे, एक मैंने बताया था स्लिनेक्स, एक बताया था सिम्बेक्स, एक बताया था इप्सामार, एक है इंबेक्स। एक ही साथ याद कर लो सब। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स। सिंगापुर इंडिया मैरी टाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, सिम्बेक्स। इप्सामार इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरी टाइम, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरी टाइम एक्सरसाइज। इम्बेक्स इंडिया म्यांमार, इम्बेक्स है इंडिया म्यांमार, इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज, इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज। एक ये क्वेश्चन बताओ, कई बार पढ़े हुए हैं ये 124। एंटीसीडेंट का मतलब ही बता दो खाली, बस यही क्वेश्चन है। एंटीसीडेंट जो मैंने वर्ड बताया था उसका मीनिंग क्या था? मानसरोवर बताया था, कुछ नदियां हिमालय से पुरानी और हिमालय में फ्लो करती हैं, मतलब हिमालय नहीं था तब भी ये रिवर थी। तो एंटीसीडेंट का मतलब है ओल्डर देन हिमालयस, विच एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालयन रेंज केम इनटू एग्जिस्टेंस। यही सही है, वो नदियां जो हिमालय के बनने से पहले से फ्लो कर रही थी वही रिवर्स हैं एंटीसीडेंट। कौन कौन सी है इसमें? इंडस और ब्रह्मपुत्र, जिसको सांगपो बोलते हैं चाइना में, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज। एसके, एसके का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था पिकॉक टेम्पल कहाँ है? पिकॉक टेम्पल कर्नाटका। ऑप्शन क्या क्या दिए थे? ऑप्शन क्या क्या थे? कर्नाटका होगा वैसे। जैनियों का टेम्पल है, जैनी टेम्पल है, पिकॉक टेम्पल कर्नाटका। कमराजार पोर्ट, ये पुराना क्वेश्चन। लीगो, ग्रेविटेशनल वेव में पढ़ाया था लीगो। लीगो स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बताना है केवल। असम एमपी, कर्नाटका नहीं था ऑप्शन में, कर्नाटका था, कर्नाटका आंसर सही है। चेक कर लो ना पिकॉक टेम्पल यार, इसमें क्या है, क्रॉस वेरीफाई कर लो। जैनियों का कोई प्लेस है कर्नाटका में, वहां पर है ये। लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, नासा। एक मैंने साइंस टेक में आपको पढ़ाया था ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल इज ए क्या फीचर है ब्लैक होल में? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर क्या कहे थे? कोई स्टार उसका मास अगर हमारे सोलर मास के, कोई स्टार का मास अगर हमारे सोलर मास के 1.4 टाइम से ज़्यादा हो जाए तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे जाके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अनस्टेबल होने लगेगा और आगे जाके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने मैसिव स्टार्स जो होते हैं बहुत बड़े साइज के, उनको बोलते हैं स्टेलर। इतने मैसिव स्टार्स जो होते हैं उनको स्टेलर बोलते हैं। तो कोई स्टार का मास अगर हमारे सोलर मास के 1.4 टाइम से ज़्यादा हो जाए तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल एक ऐसा एरिया जहाँ लाइट नहीं है और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा कि लाइट को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कुछ एमिट नहीं करता, ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ह्यूज ब्लैक स्टार विच हैज़ जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गलत। स्टार विच हैज़ मॉडरेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज लार्ज एक्सेलरेशन, ये सही है। बहुत तेजी से चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो बहुत तेजी से अपनी तरफ चीज़ों को खींचेगा तो क्या लार्ज एक्सेलरेशन है नहीं। एनएलसी में 5 क्वेश्चन जीएस का आया था, 4 सही हो गए, बहुत अच्छी बात है, गुड। तो स्टार जो कोलैप्स कर गया है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हाई है, चीज़ों को तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। जीरो एक्सेलरेशन होगा तो खींचेगा कैसे? क्वेश्चन बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के बारे में क्या बात सही है? रिक्टर स्केल 1935 चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा बनाया गया। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी released by a single earthquake. Richter scale has no upper limit. सही है, चार्ल्स सेफ रिक्टर ने बनाया. एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है अर्थक्वेक में बताएगा और इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता और लॉगरिथमिक स्केल होता है, ये भी नोट कर लो. ये होता है लॉगरिथमिक स्केल. लॉगरिथमिक स्केल कौन सा इसमें से कोल्ड ओशियन करंट नहीं है? कौन सा इसमें से कोल्ड ओशियन करंट नहीं है? कैनरी कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है, कुरोशियो जापान ये है वार्म करंट. कुरोशियो जापान वार्म ओशियन करंट. अभी दोपहर वाली क्लास में भी क्वेश्चन आया था. दोपहर वाली क्लास में जब प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे तो उसमें भी आया था ये. कुरोशियो जापान की तरफ ये है वार्म ओशियन करंट. कैलिफोर्निया गर्म जगह है पर इसके पास जो ये ओशियन की करंट आती हैं वो कोल्ड है. पोल की तरफ से वाटर आता है, उसमें बर्फ ठंडा. कोल्ड पोल की तरफ से आता है कोल्ड वाटर, इस वजह से ठंडा है ये. Light year is a unit of measurement of. Light year is a unit of measurement of very large distance. Space में दूरी नापने काम आता है. Space में दूरी नापने काम आता है. Not क्या चीज की यूनिट है? Not, KNOT. और कहाँ पर यूज करते हैं? Very large distances light year space में नापने काम आता है. Not ocean में distance नहीं, डिस्टेंस नहीं, ओशियन में स्पीड. ओशियन में शिप वगैरह कितनी स्पीड से चल रहे हैं उसको नॉट में मेजर करते हैं. और ओशियन में दूरी नापी जाती है नॉटिकल माइल में. ओशियन में दूरी नापते हैं नॉटिकल माइल में. नॉट स्पीड के लिए है. 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर. एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर इतना होता है. नॉट है स्पीड के लिए, ध्यान रखिएगा. इंडिया नेपाल के बीच एक डैम है पंचेश्वर डैम, उस पर डिस्प्यूट है. इंडिया नेपाल के बीच पंचेश्वर डैम डिस्प्यूटेड है. जिस रिवर पे है उसे बोलते हैं काली रिवर. काली रिवर को ही इंडिया में कहा जाता है शारदा रिवर. पंचेश्वर डैम डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया नेपाल. शारदा रिवर के ऊपर है जिसको इंडिया में शारदा रिवर पे है जिसको नेपाल में काली रिवर कहते हैं. तो ये है काली रिवर. शारदा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश में आती है. यहाँ पर इंटर करने से पहले इसको काली रिवर बोलते हैं नेपाल में. मिशन इंद्रधनुष अभी करी बताया है, क्या चीज के बारे में है? मिशन इंद्रधनुष 9 बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जिसमें 2 साल से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को कवर किया गया. 2 साल से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को कवर किया गया मिशन इंद्रधनुष के तहत. तो यह फुल इम्यूनाइजेशन. फुल इम्यूनाइजेशन डी. Who among the following has explained the phenomena of photoelectric effect? और उसके लिए उसको मिला था नोबेल फिजिक्स. किसने एक्सप्लेन किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसके लिए नोबेल फिजिक्स मिला था 1921 में शायद, एल्बर्ट आइंस्टीन. थे कहाँ के रहने वाले? आइंस्टीन का कंट्री कौन सा? जर्मनी के। इनमें से कौन सी वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर नहीं है? पढ़ाया हुआ है, बताओ। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन, इसमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है? पंबा, पेरियार, भरतपूजा, तीनों केरला की हैं और वेस्ट फ्लोइंग है। तीनों केरला की रिवर हैं और वेस्ट फ्लोइंग है। तमरा, परनी नहीं है। सबरीमाला टेम्पल हाल ही में न्यूज में रहा, कहाँ पर है और किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है? सबरीमाला टेम्पल हाल ही में न्यूज में रहा, कहाँ पर है और किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है? और ये जिस फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है वो कौन सा एरिया है? सबरीमाला है लॉर्ड अयप्पा टेम्पल, लॉर्ड अयप्पा टेम्पल। पेरियार सेंचुरी का एरिया पड़ता है, पेरियार केरला। लॉर्ड अयप्पा टेम्पल पेरियार केरला में है ये। यहाँ पे 10 ईयर से 50 ईयर के बीच में वुमेन एंट्री प्रोहिबिटेड थी, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। 10 टू 50 ईयर्स एज ग्रुप में वुमेन एंट्री रिस्ट्रिक्टेड था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। किस रिवर को वितस्ता कहा गया था? किस रिवर का दूसरा नाम वितस्ता? कल या परसों पढ़ाया मैंने ये। किस रिवर को बोलते हैं वितस्ता? झेलम का दूसरा नाम है वितस्ता, झेलम का दूसरा नाम वितस्ता। तो इससे कम से कम आपको यह पता लग रहा है कि जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है, क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे, उससे अंदाजा लग जाएगा। इसमें से कौन एक ऑर्गेनिक एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड से क्या मतलब है? जरा मैं फार्मूला लिख देता हूं। HCl, नाइट्रिक एसिड, CH3COH, H2SO4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या था? कार्बन कंपाउंड। बिल्कुल जरा सा क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इसका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या है? कार्बन होना चाहिए, तो कार्बन केवल एक में है यहाँ, एसिटिक एसिड में। और एसिटिक एसिड किसका केमिकल नेम है? एसिडिक एसिड प्रिजर्वेशन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं फूड वगैरह में, ये किसका केमिकल नेम है? विनेगर का, सिरका होता है जो, सिरका, विनेगर। बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल न्यूक्लियर रिएक्टर के पीछे, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड न्यूक्लियर रिएक्टर, बताओ जरा क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे काम करता है बताइए? न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बम दोनों ही फिशन है, फिशन। रिएक्टर बोल रहा है तो कंट्रोल्ड फिशन, कंट्रोल्ड फिशन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बम दोनों ही फिशन पे है। रिएक्टर कंट्रोल्ड फिशन है और न्यूक्लियर बॉम्ब अनकंट्रोल्ड फिशन है। अगर सोलर रिएक्शन और हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो फ्यूजन पे, सोलर रिएक्शन और हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन। कंपोस एंड लियानोस कहाँ के ग्रासलैंड है ये? कंपोस एंड लियानोस कहाँ के ग्रासलैंड है? बताया हुआ है, साउथ, ये कंपोस लियानोस साउथ अमेरिका, कंपोस ब्राजील और लियानोस कोलंबिया वेनेजुएला। कंपोस ब्राजील और लियानोस कोलंबिया वेनेजुएला। विटीकल्चर और विनीकल्चर क्या चीज के बारे में है? विटीकल्चर, विनीकल्चर। ग्रेप्स कल्टीवेशन को बोलते हैं विटीकल्चर, ग्रेप्स कल्टीवेशन को बोलते हैं विटीकल्चर। और ग्रेप्स कल्टीवेशन वाइन बनाने के लिए, उसको बोलते हैं विनीकल्चर। एडिलेड में काफी होता है ये, एडिलेड में काफी कल्टीवेशन होता है ग्रेप्स का। एनडीए के पुराने क्वेश्चन है, ये एनडीए के पुराने क्वेश्चन है। नेशनल वाटर एकेडमी, ये सीडीएस में भी आया, एनडीए में भी आया। खड़गवासला पुणे, नेशनल वाटर एकेडमी खड़गवासला पुणे। यूपीएससी का एग्जाम है। कौन सा मिनरल न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर पावर की बात हो रहा है तो यूरेनियम, यूरेनियम निकाला जाता है किससे? पिच ब्लेंड से। ये है यूरेनियम पिच ब्लेंड। पेंट में बाइंडर क्या डाला जाता है? पेंट के अंदर बाइंडर, नेरोलैक से याद रखो नोवोलैक, पेंट का नाम कंपनी है नेरोलैक, उससे याद रखिए नोवोलैक। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।